और मेरे ख्याल से जितनी बातें हम बताए हैं इसके अलावा आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। लेकिन एक बात और हम कहना चाहते हैं, कभी जितने सारे बच्चे हैं साइको पे, दिन भर लगभग यही पोजीशन बच्चों का रहता है पूछने का, हम ये भी कहना चाहेंगे कि अभी आप लोग सारे बच्चे लेवल 5 का भी एग्जाम दिए होंगे, 3 का दिए होंगे, 2 का दिए होंगे, और इस 3 लेवल में 6 ऐसा पोस्ट है जहाँ पर आपका टाइपिंग रहेगा और अच्छा खासा सीट भी उसमें है। इसलिए सभी बच्चों से मेरा है कि जिस तरीके से आप सीरियसली अभी साइको करने के लिए आए हैं, अगर आप 532 का एग्जाम आपका अच्छा गया होगा तो आपको फील हो गया होगा, क्योंकि 8 गुना रिजल्ट दिया जाना है, कि हमारा रिजल्ट उसमें होगा या नहीं होगा। YouTube पर बहुत सारे टीचर्स कट ऑफ भी जारी किए हुए हैं, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे उसमें होता है, अगर उसके लाइक भी आपको मार्क्स है, उससे ऊपर मार्क्स है, तो आपको उतना ही सीरियसली टाइपिंग की भी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि उम्मीद रखिए 1.5 से 2 महीना 2.5 महीना टाइपिंग के लिए मैक्सिमम समय मिलेगा। लेकिन जो पहले से टाइपिंग नहीं किए हुए हैं या जिनका स्पीड 5, 10, 15, 20 तक है, तो निसंदेह आप समझ लीजिए कि कम से कम 2 से 2.5 महीना भी आपके लिए कम पड़ेगा, अगर 2 घंटा डेली भी आप टाइपिंग करते हैं तो। इसलिए जितना आप 2 घंटा हम यहाँ क्लास कराते हैं, इसके अलावा 2 से 3 घंटा आप साइको में लीजिए, इसके अलावा एक टेस्ट आप ऑनलाइन मारिएगा, 2 सेट ऑफलाइन में बनाइए आप साइको का, उतना काफ़ी है। लेकिन उसके बाद 2 घंटा कम से कम टाइपिंग करने के लिए अभी से आपको लग जाना पड़ेगा, और जब साइको खत्म हो जाएगा तो 3 घंटा टाइपिंग में लग जाइए या उससे ज़्यादा भी टाइपिंग में आप समय दीजिए। लेकिन किसी भी सूरत में अभी आपका उद्देश्य होना चाहिए, इतना गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप CBT 2 दिए हैं, आपको साइको देने का मौका मिल रहा है, आपको टाइपिंग देने का मौका मिल रहा है। तो मोदी जी घोषणा किए हैं कि 10 लाख वैकेंसी आगामी हम देंगे, हालांकि ये इलेक्शन बेस्ड वैकेंसी है, उसमें रेलवे की बात करें तो 2,30,000 पोस्ट खाली होने की बताई गई है, 2 चरण में उसको भरने की बातें कही गई है, और 1.5 लाख पोस्ट पहले भरने की बातें कही गई है। मेरे ख्याल से 2024 में इलेक्शन है तो ये चीज़ आपको देखने को श्योर मिलेगा, उसमें आपका ड्राइवर है, टेक्नीशियन है, JEE है, सेक्शन इंजीनियर है, RPF है, और कुछ नॉन टेक पोस्ट भी होगा। लेकिन मेरा कहना है कि हम वहाँ तक का क्यों आशा रखेंगे, अभी जो चीज़ हमारे सामने है, इतना सारा वैकेंसी है और हुड्डी भी आपका सामने है, इससे बाय चांस खुदा ने खास्ते हम तो चाहेंगे किसी बच्चे का नए बच्चे इसी में फाइनल हो जाए, लेकिन खुदा ने खास्ते अगर इससे बचता भी है तो सेम सिलेबस अभी जो आप तैयारी किए हैं ग्रुप डी में भी पूछना है और उसको बेहतर कर लेना है। मेरा कहना है कि अगर 4 से 5 घंटा साइको में समय दे रहे हैं, 2 घंटा टाइपिंग में समय दे रहे हैं, तो 2-3 घंटा आपको ग्रुप डी के लिए भी सेट प्रैक्टिस में देना चाहिए। BSSC का भी फॉर्म भरे हुए होंगे तो उसमें भी आप 1-1.5 घंटा का टाइम निकालिए, चूंकि पैटर्न का तो जो पूछेगा तो तैयारी सारे बच्चे किए हुए हैं, सिर्फ प्रैक्टिस में बने रहने की बात है। तो अभी ऐसा समय है कि 2 से 3 महीना 4 महीना BSSC तक की हम बात कर रहे हैं, ग्रुप डी तक की बात कर रहे हैं, उससे पहले तो ये सारा कुछ होगा ही होगा, तो कम से कम 10-11 घंटे का आपका रूटीन होना ही चाहिए। और जिस तरीके से आप मेहनत की हैं, CBT 2 आपको दिए हैं, साइको देना है, टाइपिंग देना है, ये चीज़ आपको प्रूफ करता है कि आप बहुत ज़्यादा इस बीच में मेहनत किए हैं, उस योग्य भी हैं, इसलिए अपनी योग्यता को साबित करने का इससे बेहतर आपका समय हो नहीं सकता है। ये आपका 2 से 3 महीना दिन रात एक कर देते हैं, तो हो सकता है कि भविष्य आपको नया दिशा में लेके चला जाए, लेकिन थोड़ा सा अगर आपके मामले में आपके इनसे कमी रह जाएगी तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा पश्चाताप आपको होगा। इसलिए सारे बच्चों से रिक्वेस्ट होगा, जो इस वीडियो को भी जो बच्चे देख रहे हैं, सबको लगता है कि मेरी बात को आत्मसात करने का कोशिश करेंगे, एक भाई बड़े भाई गुरु होने के नाते हम आपसे ये सारी बातों को शेयर कर रहे हैं, हमको लगता है इस पर अगर ध्यान देंगे हो सकता है कि आपका भविष्य बहुत बेहतर हो जाए। सर थोड़ा सा जो आप बोल रहे थे कि जो बच्चे अगर रिजर्वेशन में क्वालिफाई कर रहे हैं, मान लीजिए EWS में, थोड़ा उसको एक बार और बता दीजिए। एक बात और इसमें छूट रहा था तो उसके बारे में हम बता देना चाहते हैं कि बहुत बच्चे इसमें हमको बताते हैं कि जनरल से इतना हमारा ज़्यादा कट ऑफ है, बहुत बच्चे बताते हैं OBC से इतना ज़्यादा कट ऑफ है, EWS से इतना ज़्यादा कट ऑफ है, तो उन बच्चों के लिए हम बता देना चाहते हैं कि रूल रेलवे का यही है कि अगर NTPC CBT 1 में जनरल कैटेगरी से आप क्वालिफाई किए होंगे, अगर आप OBC से EWS से हैं लेकिन जनरल कैटेगरी से क्वालिफाई किए होंगे, तो बाद में चल करके आपको जनरल और EWS, जनरल और OBC दोनों मिला के जितनी सीटें हैं आप पूरे पे फाइट करेंगे। लेकिन अगर CBT 1 में अगर OBC कैटेगरी से या EWS कैटेगरी से क्वालिफाई किए हैं, तो आगे चल करके OBC या EWS का जितने नंबर ऑफ वैकेंसीज है सिर्फ उसी में फाइट करेंगे, ये बात आपको समझ लेना है। अरे यार गुवाहाटी बोर्ड में अभी
बड़ा स्थिति थोड़ा सा, अभी तुम टीवी भी देखता होगा, बार वाली स्थिति थोड़ा सा व्यापक है, तो मे बी गवर्नमेंट इस वजह से डिसीजन ना ले पा रही है। लेकिन हमको लगता है कहीं ना कहीं अगर गुवाहाटी बोर्ड में विलम्ब होगा तो इसका प्रभाव इधर अन्य सारे बोर्डों पर भी पड़ सकती है, इसलिए हमको लगता है जैसे ही उधर स्थिति सामान्य होगा तुरंत ही तुमको आगे का घोषणा किया जाएगा। तुम बोर्ड के चेयरमैन से पूछेगा तो वो सही हाल नहीं बता पाएंगे, वो परिस्थिति के अनुसार ही सारा कुछ क्रिएट होता है। तो हमको लगता है कि वेट एंड वॉच में रहना चाहिए, जब भी उस तरह की परिस्थितियाँ आएंगी तुमको तुरंत इसका सूचना मिलेगा। सर टाइपिंग में एक्यूरेसी कितना बना के रखना है? 95% एक्यूरेसी है। वैसे मेरे चैनल पर एक कम्युनिटी में हम लगा दिए थे वीडियो, उस वीडियो में हम पूरा टाइपिंग से रिलेटेड डिटेल बातें बताए थे, पूरा जो भी उसका रूल रेगुलेशन नॉर्म है, तो उस नॉर्म को पालन करते हुए ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा तो उस वीडियो को देखना, जानने लोग उस लाइक उसमें बहुत सारी बातें हैं, तो हमको लगता है कि वहीं पर देख लेगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, नहीं तो उसका एक स्पेशल वीडियो ही हो जाएगा अलग से। कि ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस यही है कि अभी आप मेरे सामने बैठे हुए हैं, कुछ बातें हैं जो हम अभी समझा रहे हैं यही बात हम ऑफलाइन मोड में अभी आपको समझा रहे हैं, डायरेक्ट आप क्रॉस कर रहे हैं, दूसरे बच्चे क्रॉस कर रहे हैं, तीसरे बच्चे क्रॉस कर रहे हैं, हमको लगता है कि जितना बेहतर तरीके से आपको संतुष्ट कर पा रहे हैं तो ऑनलाइन में भी सारी बातें हम करते हैं, और ऑनलाइन में यहाँ तक हम एक्स्ट्रा करते हैं कि जितना ऑफलाइन में हम बातें करते हैं बहुत आइडिया भी हमको रहता है कि संबंधित चीज़ों से अन्य क्या बच्चों का सवाल एक्स्ट्रा रहता है। तो चूंकि ऑनलाइन मोड में उतना सारे बच्चों का जवाब हम सही तरीके से नहीं दे पाते हैं या बच्चे डायरेक्ट इंटरेक्शन हमसे नहीं कर पाते हैं, इसलिए अपने मन से भी उन सारी बातों को बताते हैं, लेकिन फिर भी हमको लगता है कि बोर्ड पे टीचर करा रहे हैं आपको, सामने बैठ के कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो आपको डिफरेंस हो जाना है, और 100% डिफरेंस होगा ऐसा कुछ भी नहीं है, 10-5% डिफरेंस आपका होगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा कहना है साइको सब ऐसा सेंसिटिव चीज़ है कि अगर यहाँ आके करते हैं, अगर आप सक्षम हैं यहाँ आके कीजिए, नहीं तो ऑप्शन तो ऑनलाइन है, उसका कोई लिमिट आपका नहीं रहता है, मे भी 50 भी रहता है, 250 भी रहता है, वो डिपेंड करता है कि अचानक विद्यार्थी बहुत ज़्यादा आ गए उसके हिसाब से बैच स्टार्ट होता है, क्योंकि डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाई होता है, माइक लगा हुआ रहता है, आप ये समझ लीजिए कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जितना ज़्यादा बैच में रहेंगे उतना क्रॉस क्वेश्चन बच्चों के तरफ से हमको होता है, और टीचर भी उतना ही ज़्यादा जोश खरोश से बच्चों को बताते हैं, यही दो बच्चे को पढ़ाना और 200 बच्चों को पढ़ाने में अंतर हो जाता है, तो वही फायदा आपको वहाँ पर भी मिलना है, ठीक है, सारे बच्चे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, और मैक्सिमम क्वेश्चन तो क्रॉस क्वेश्चन कॉमन ही होता है, इसलिए बहुत दिक्कत नहीं। अरे तुम 25 दिन इंटरेक्शन करो ना, हम तो 1 घंटा डेली टीचर को यहाँ बैठाते हैं कि जो बच्चे खुद से भी सेट बनाते हैं अलग से भी, अगर उनको प्रॉब्लम होता है तो टीचर उसका डिस्कशन कराएंगे। 5 दिन में हम ये बताए कि जितना थ्योरी है जो मूल चीज़ें हैं वो सारी बातें हम बता देंगे, 5 दिन के बाद प्रैक्टिस का दौर स्टार्ट होता है, तो हमारा तो हम बताए कि 15 टेस्ट हम ऑनलाइन मोड में अपने सिस्टम पर लेंगे, 15 दिन आप रह करके डेली एक सेट हमारे सिस्टम पर दीजिए, हम तो सारा व्यवस्था दिए हुए हैं। तो बच्चों का ही होता है कि जो यहाँ तो रहने वाले बच्चे देते ही देते हैं, बाहर वालों का होता है कि चूंकि पैसा भी खर्च होता है, बच्चों को सब चीज़ देखना होता है, और मैक्सिमम बच्चे बहुत अच्छे परिवार से बिलोंग नहीं करते हैं, बड़ा मुश्किल से मैनेज करके यहाँ पहुँचते हैं, तो उनको हम ज़बरदस्ती 15 दिन 20 दिन रख भी नहीं सकते हैं, इसीलिए उन बच्चों की स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए 5 से 7 दिन में छोड़ना हमारी मजबूरी हो जाती है, हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन इतना चीज़ देख के छोड़ते हैं कि बहुत दिक्कत नहीं होगा, आईडी पासवर्ड तक आपको सारा बैच का हम डाल देते हैं कि उनको कोई परेशानी नहीं होगा, आपको फ़ोन नंबर तक दे देते हैं कि कुछ विशेष दिक्कत हो जाए आप कॉल करके भी समझ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और नवीन सर के पास आ चुके हैं, आप लोगों का जो भी समस्या था कि साइको से जुड़ा हुआ या मेरा 2 अंक अधिक है, मेरा 4 अंक अधिक है, क्या मैं करूं क्या नहीं करूं, शायद बता दें कि आपका जो भी मन में सवाल है वह आपका सभी का समाधान यहां से मिल जाएगा। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर चैनल पर। धन्यवाद, और आपके जितने भी व्यूअर देख रहे होंगे उनको भी मेरा स्वागत करना। सर अब हम लोग सोचे कि आप इतने बच्चे आए हुए हैं साइको से रिलेटेड और जो भी समस्या है इन लोगों का, सभी बच्चे का वही समस्या आ रहा है, वही क्वेरी आ रहा है, तो इसी से हम लोग उस समस्या का समाधान कर लें, तो सर आप थोड़ा सा इन लोगों को गाइड करें। एक्चुअली मैं ये इंक्वायरी में आए हुए बच्चे हैं और अब इधर 4-5 दिन से दिन भर लगभग यही रूटीन हो गया है,
एक्चुअली होता है जैसे अपने से अगर हम बच्चों को बताते हैं, बहुत बच्चों की तरफ से क्वेरी भी रहता है, तो वो अधिक से अधिक संतुष्ट हो पाते हैं और उनके मन में भी जितने तरह का संदेह है वो दूर हो पाता है। जो भी मन में संदेह है, चाहे वो साइको के बाद मेडिकल से रिलेटेड, विजन से रिलेटेड संदेह हो, या हमारा कट ऑफ है, या कट ऑफ से इतना नंबर ज़्यादा हमारा है, कैटेगरी से रिलेटेड कुछ भी इसमें क्वेरी है, वो भी हम बताते हैं। उनको उम्मीद है कि ये बच्चे से अभी जो बात करेंगे, ये अगर आप रिकॉर्ड करते हैं तो मे बी कि आपकी समस्याएं और जो बच्चों को जो देख रहे हैं उसकी समस्याएं मिनिमम हो जाए। और किसी का होगा साइको तो आ जाना, बैठ जाओ। एक्चुअली मैं थोड़ा सा हम पहले उन बच्चों के लिए बोल देना चाहते हैं जिनका मार्क्स कम है, 3 मार्क्स ज़्यादा है, 4 मार्क्स ज़्यादा है, या 6, 7, 8 मार्क्स ज़्यादा है, तो पहले तो उनको थोड़ा सा बूस्ट करने की ज़रूरत है, प्रमोट करने की ज़रूरत है, क्योंकि जिन बच्चों का भी मार्क्स कम है, और दूसरे तुलनात्मक रूप से जब अन्य बच्चों के बारे में सुनते हैं कि इनका 10 नंबर ज़्यादा है, 15 नंबर ज़्यादा है, 20 नंबर ज़्यादा है, तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन स्वाभाविक है कि होता है कि जब इतने मार्क्स वाले ज़्यादा मार्क्स वाले बच्चे हैं तो हमारा होगा या नहीं होगा। उसके लिए सबसे पहले हम बता देते हैं, एग्जाम्पल से हम स्टार्ट करना चाहते हैं। इससे पहले 2015-16 में जो वैकेंसी आई थी NTPC, उसमें अभी भी 3 बच्चे मेरे नज़र में ऐसे हैं जिनका पिछले बार मात्र कट ऑफ से 4 मार्क्स ज़्यादा था, और अभी वो स्टेशन मास्टर हैं वो बच्चे, इसी से अंदाजा आप लगा सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अभी हम बता रहे थे बच्चों को कि इसमें 2-3 तरह की बातें हैं जिनका कम मार्क्स है, उनके लिए उनको ध्यान देना चाहिए कि जैसे साइको का रिकॉर्ड बहुत ख़राब रहा है कि साइको में 50% बच्चे, मोर देन 50% बच्चे फेल करते हैं साइको में। अगर 5 बैटरी होता है, किसी बैटरी में पॉइंट मार्क्स से भी अगर कम आता है तो वो इतने दिन का मेहनत किया हुआ बच्चों का बेकार हो जाता है, तो इसके कारण से भी कट ऑफ फाइनली डाउन होता है, इतने बच्चे साइको में फेल करते हैं इसके वजह से भी। दूसरा क्या होता है कि अगर जो साइको हमारा होता है, अगर उस पर हम बहुत ज़्यादा मेहनत करें तो 2 से 2.5 से 3 मार्क्स हम और बढ़त बना सकते हैं अभी जितना हमारा मार्क्स है, क्योंकि जनरली आप देखेंगे 30% करने के बाद बच्चों को 18 से लेके 21 सारे 21 तक मार्क्स जनरली आता है। लेकिन अगर हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा साइको में दिए हैं, साइको का प्रैक्टिस हम बहुत अच्छे से किए हैं, तो वैसी परिस्थिति में 22, 23, 23.5, 24, 25 तक मार्क्स देखा गया है। तो यहाँ से भी एक संभावनाएँ आपकी बनती है कि कुछ का बढ़त आप बना सकते हैं। इसके बाद क्या होता है कि साइको को कभी रिटर्न टेस्ट के जैसा नहीं ट्रीट करना है, क्योंकि आप रिटर्न एग्जाम जो देते हैं, CBT 1 दिए, CBT 2 दिए, इसके माध्यम से आपके मेरिट का जांच होता है, जबकि साइको में आपका IQ का जांच होता है। तो ऐसा नहीं है कि जो जिस बच्चे का 20 मार्क्स से ज़्यादा है वो साइको में फेल नहीं करेंगे, और जिस बच्चे का 3, 4, 5 मार्क्स ज़्यादा है वो बच्चे साइको में पास नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। साइको चीज़ ही अलग है, जो जितना बेहतर परफॉर्मेंस अपना देंगे, जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे, जितना बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, जिनका प्रेजेंस ऑफ माइंड जितना अधिक होगा, IQ लेवल जितना अधिक होगा, या IQ लेवल को अपना मेंटेन कर पाएंगे, उतना परफॉर्मेंस उसका और ज़्यादा इंप्रूव होगा, वो किसी भी सेक्शन में फेल नहीं करेंगे, इस बात को हमेशा से ध्यान रखना है। इसके बाद हम बता देना चाहते हैं कि साइको में ध्यान देने योग्य भी बहुत बातें होती है। अगर हम यहाँ पर बैच स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला दिन उसमें इंट्रो कराते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या कराते हैं कि बताते हैं पहले कि जो 50-60% बच्चे फेल करते हैं तो क्यों करते हैं, पास करते हैं उसी बीच के बच्चे तो क्यों करते हैं, इससे बहुत बातें हैं बच्चों का क्लियर होता है। दूसरा, RDSO जो है साइको का कंडक्टिंग एजेंसी है, RDSO वही आपके सारे रेलवे का जितना भी साइको होता है वो कंडक्ट करती है, तो RDSO बच्चों से बहुत अपेक्षा रखती है, वो अलग तरह का अपेक्षा रखती है। वो आप RDSO की वेबसाइट पर जाएंगे तो उसमें सारा कुछ दिया हुआ है। RDSO कभी ये चीज़ नहीं चाहती है, या कभी आपसे उम्मीद नहीं करती है, बच्चों से उम्मीद नहीं करती है कि सारा कुछ साइको से रिलेटेड जो हम वहाँ पर लेने वाले हैं एग्जाम, साइको का टेस्ट आप पहले से सीख करके आते हैं, तो RDSO ये बच्चों से उम्मीद करती है कि बच्चों को हमने साइको टेस्ट के लिए बुलाया है, जब बच्चे एग्जामिनेशन हॉल में आते हैं तो वहाँ पर हम पहले हर बैटरी के पहले 5 से 10 मिनट का अलग अलग बच्चों को इंस्ट्रक्शन देते हैं, और इंस्ट्रक्शन में
उस बैटरी में जितने भी टाइप आपके हैं या जो भी सवाल पूछा जाता है उसके बारे में पूरा बेसिक नॉलेज आपको बताया जाएगा कि कैसे कैसे ये सवाल बनेगा, इस टाइप का आपका सवाल रहेगा, सब वहाँ बता दिया जाता है। और अगर आप उसको अच्छे से ध्यान देंगे तो अगर आप यहाँ नहीं भी पढ़ करके जाएंगे, नहीं भी कहीं पर पढ़ करके जाएंगे, तब भी आपको साइको पास कर सकते हैं, इसमें कहीं संदेह नहीं है। और बच्चों को गौर इसमें करना चाहिए कि कई बार देखा गया है कि 4 साल 5 साल पर अचानक अपना RDSO पैटर्न चेंज करती है, अचानक किसी बैटरी का पैटर्न चेंज कर देगी। जो चीज आप यहाँ से बना के गए हैं, सीख करके गए हैं, मे भी वो चीज ना पूछे, अचानक दूसरा चीज, दूसरा लेवल उसमें डाल दे। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप वहाँ का इंस्ट्रक्शन वाच किए होंगे, इंस्ट्रक्शन देखे होंगे, तो आपको सवाल बनाने में बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी। नहीं तो आप चारों खाने चित्त हो सकते हैं, आप अचानक परेशान हो सकते हैं, अरे ये तो पढ़े ही नहीं, आज वही सवाल यहाँ पूछ लिया। तो इसलिए ये इस बात की चर्चा करनी जरूरी थी कि एग्जामिनेशन हॉल में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा क्या कि साइको लगातार प्रैक्टिस का चीज होता है। मान लीजिए कि एक दिन इंट्रो में सारा हम बता दिए, नेगेटिव पॉजिटिव सारी बातें बता दिए, 3 से 4 दिन उसके बाद थ्योरी क्लासेस होता है जिसमें सारे बैटरी के बारे में, जो भी 5 बैटरी आपका है, वो सारे थ्योरी के माध्यम से हम क्लियर कर देते हैं और एक एक चीज क्लियर हो जाएगा, कहीं कुछ भी आपका शेष नहीं बचेगा जिस तरह का एग्जाम पूछा जाता है। लेकिन उसके बाद 2 ऑफलाइन टेस्ट हम बच्चों से लेते हैं। उस ऑफलाइन टेस्ट का उद्देश्य हमारा ये होता है कि जो 3 से 4 दिन में हम आपको सिखाए, जो 4 से 5 दिन में हम आपको थ्योरी सिखाए 5 बैटरी का, आप जब ऑफलाइन टेस्ट देंगे एक एक छोटा छोटा चीज हर बैटरी के बारे में आपका उसके माध्यम से जज हो जाएगा और आप जितना भी सवाल हमारे ट्यूटर से करना चाहते हैं जो आपको सिखाए हुए हैं वहां पर एट रैंडम कर सकते हैं। ट्यूटर भी उसमें डिस्कशन करा के हर छोटी छोटी बारीकियों को बताएंगे आपको साथ में और एक तरीके से इंटरेक्शन आपका टीचर से होगा, सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। 1 से 2 टेस्ट हमारा वो होता है, उसके बाद 15 टेस्ट हम ऑनलाइन मोड में लेते हैं। यहाँ हमारा 70 सिस्टम लगा हुआ है, चाहे तो आप अगर पटना रह करके करना चाहते हैं तो यहाँ 15 टेस्ट हमारे सिस्टम पर दे सकते हैं, एक एग्जाम का माहौल भी हम क्रिएट करते हैं। और नहीं तो बाहर के जो बच्चे यहाँ पर टेस्ट देने के लिए आते हैं, साइको करने के लिए आते हैं, उनके पास थोड़ा सा अर्थ का भी अभाव रहता है, ज्यादा दिन तक वो रहना भी नहीं चाहते हैं। वैसी परिस्थिति में 4 से 5 दिन हम थ्योरी क्लास करा के 2 टेस्ट लेकर के उनको ID पासवर्ड 15 टेस्ट का हम दे करके छोड़ देते हैं कि आप घर पर अपना लैपटॉप पर सिस्टम पर साइबर कैफे में जो भी आपको उपलब्ध है, मोबाइल पर नहीं करना चाहिए इसको टेस्ट देना चाहिए, आपको सिस्टम पर ही देना चाहिए या फिर लैपटॉप पर देना चाहिए, तो वहाँ पर आप घर पर रह कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। 5 दिन में हम आपको छोड़ देंगे, लेकिन संभव है अगर पटना में रहते हैं 15 टेस्ट यहाँ पर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना ये सारी बातों को ध्यान रखना होता है। इसके अलावा बहुत बच्चों का प्रश्न होता है कि जिस समय वैकेंसी आई थी 2019 के फरवरी मार्च में, उस समय सर हमारा विजन का लेवल अलग था और उसी विजन के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस दिए हैं, लेकिन ये 3 साल में हमारे विजन के स्टैंडर्ड में गिरावट आई है और पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस अब बोर्ड हमको चेंज करने का मौका शायद नहीं देगी। तो वैसी परिस्थिति में अगर हम साइको पास कर गए लेकिन मेडिकल में हम फेल कर गए तो उस समय क्या होगा? तो पटना असिस्टेंट सेक्रेटरी से, दूसरे बोर्ड के भी अधिकारी से ये चीज बातें कंफर्म करने के लिए हम 3-4 जगह अलग अलग हम बात भी किए हैं, उसका रिकॉर्डिंग भी मेरे पास में उपलब्ध है। उस समय उनका स्पष्ट करना था कि अगर बच्चे मेडिकल में फेल होते हैं, यानी A2 विजन खोज रहा है स्टैंडर्ड विजन का आपका, अगर वो बच्चे नहीं दे पाते हैं 6x9 अगर उनका विजन नहीं, तो बाकी उसके अलावा उसके नीचे जो भी पोस्ट रखे हुए हैं अगर उस नीचे वाले पोस्ट के अनुसार अगर मेडिकल स्टैंडर्ड उसके पास है और अगर वो कट ऑफ को पार किए हुए हैं तो आप निसंदेह आपको दूसरी पोस्ट मिलेगी ही मिलेगी। पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस का हमेशा से मतलब होता है कि जिस तरीके से क्रम से लेवल 6 से लेवल 2 तक आप रखे हुए हैं सीरियली, आपके हर एक पोस्ट पर विचार किया जाएगा, हर एक पोस्ट पर आप अगर ठीक है।